अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, आपकी अपनी पॉजिटिव न्यू ईयर यूनाइटेड स्टेट्स से आज हम आपके लिए हस्बैंड मम्मी सब्जी जो लेकर आई है वो है शिमला मिर्च और ये एक ऑर्गेनिक तरीके से बनाई जाती है। तो आप देखते हैं, तो चलिए देखते हैं कि हम आपके लिए हल्की फुल्की सी सब्जी कैसे तैयार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी अपनी फौजिया चुगता है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स से। जी तो दोस्तों, आज फिर हम आपको हल्का फुल्का सा पकाना सिखा नहीं रहे हैं, बस बता रहे हैं कि हम क्या बना रहे हैं, वही शिमला मिर्च। दोस्तों का कहना ये है कि मिस बहुत ढेर सारे बर्तन बना देती हैं, काम पर जाना होता तो इतने ढेर सारे बर्तन कौन धोए। तो ले जनाब, हमने इसका भी आसान हल ढूंढ लिया। देखें, आप अपनी जो भी चीजें बनानी है, सब्जियां, कोई फल, कोई भी किस्म की, तो आप जनाब इसको वॉश करके रख लें एक बर्तन में, और उसके बाद जिस बर्तन में देखें आपने बनाना है पकाना है उसी बर्तन में मैंने ये शिमला मिर्च है। यहाँ तो खैर ये हर कलर में मौजूद है, ग्रीन, रेड, येलो, ऑरेंज, तो हम भी वो डिफरेंट कलर की ले आते हैं और बना लेते हैं। धो के हमने इसी के अंदर काट दी। और ये आप देखें, टमाटर हैं जनाब, प्याज है और हरी मिर्च है। और अब हम आपको बताते हैं जनाब कि बगैर टाइम जाया किए, बगैर जनाब ढेर सारे बर्तनों के और बगैर चिपके, अब हमने इसके नीचे जनाब हीट ऑन कर दी है, ठीक है। और इसमें हम डाल रहे हैं जी ऑयल। और आपको पता ही है कि मिस फौजी कितनी जो है वो कंजूस है ऑयल डालने के मामले में। अब देखें, ये जनाब ऑयल है और बस इतना काफी है, ठीक है। और मसाले तो आपको पता ही है कि हस्बे मामूल में कितने डालती हैं। ये देखें, ये मसाले, ये हस्बे मामूल इतना सा हल्दी है, ये सुरख मिर्च है, ये साबत मिर्च है, ये नमक है, और हमने इसमें सूखा धनिया और हल्का सा चाट मसाला बनाया। जी आपको पता है कि हम जरा चटखोरे हैं, तो ये तो हम लाजमी ऐसे ही डालते हैं हर खाने में। और ये हमने लहसुन अदरक अभी अभी बना के रखा है, ठीक है। तो साथ में आप लहसुन अदरक के बगैर तो जनाब कोई भी खाना जो है वो नहीं आप बना सकते। यस, ये बहुत ही जरूरी किस्म का खाता है, ठीक है। ये देखें, हमने भी इसमें काफी ज्यादा ये लहसुन अदरक डाला है, और आप भी ऐसे ही करना है, ठीक है। तो दोस्तों, अब जनाब इसमें आपने ये ऐसी खूबसूरत, प्यारी और दिल फरेब सब्जी है कि इसमें आपको पानी डालने की कतन जरूरत नहीं, बस हल्का सा इसको मिक्स कर दें ताकि ऑयल के अंदर ये सारी सब्जी मिक्स हो जाए, और साथ में साथ जो नमक मिर्च है वो मिक्स हो जाए, और हमें ये जो प्याज और हरी मिर्च है ये जो हमने सेपरेट करके एक साइड पे डाली थी आपको दिखाने के लिए कि हमने इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, ये सारे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है दोस्तों, बस बगैर चिपके आंच हल्की रखे इसको हमने हल्के से दम पे लगा देना है, जैसे वो मुख्तलिफ चीजें बनती हैं जनाब, दम पुख्त, ये दम पुख्त वो, ठीक है। तो ये दम पुख्त सब्जियां बनती हैं जिसको हम आपके लिए थोड़े टाइम में बगैर चिपके और बगैर ढेर सारे बर्तन इस्तेमाल किए, बगैर ढेर सारा टाइम लगाए बनाते हैं। तो दोस्तों, अब इसको हम लगा रहे हैं दम, और बस। जी तो दोस्तों, देखते हैं जनाब इसको इनके क्या हालात हैं, ठीक है। ये बस देखें, इतनी देर से हमने भी अपने सारे काम जो है वो कर लिए, और इतनी देर में सालन बस आप देखें बिल्कुल तकरीबन तैयार ही है। देखिए, अपने ही पानी में ये सब्जी गल भी जाती है
और ऑर्गेनिक फूड बन जाता है। इसके सारे जो लहनियात हैं वो एज इट इज रहते हैं, बस हल्का सा रह गए और फिर जनाब ये खाने के लिए रेडी है। ठीक है, ले जी दोस्तों, ये तो हो गया है रेडी। ठीक है, देख रहे हैं आप, ये हमने हल्की सी इसमें कड़ी रखी है क्योंकि कुछ दोस्तों का कहना ये है कि मिस हमने बाहर से रोटी लेके खानी होती है तो सालन इतना जो है वो थोड़ा पोषक ना किया करें कि बिल्कुल ही उससे कुछ खाया ना जाए। तो लें दोस्तों, अब ये आपके मुताबिक आपकी पसंद का बिल्कुल रेडी है। ठीक है, नहीं दोस्तों, सालन तो रेडी हो गया, लेकिन इसमें आपने ये हल्का सा धनिया जो है वो डाल के, ये हमने ऑलरेडी बना के फ्रीज किया, इसको बस ऐसे रखते हैं, जब आपने इस्तेमाल करना हो आप आसानी से इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही चूल्हा बंद करना ना भूलिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों, ये बगैर चिपके, बगैर वक्त जाया किए और ऑर्गेनिक फूड आपके लिए आपकी अपनी पॉजिटिव है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स से। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है किसी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।